मैडम जी मैं कल नहीं आ पाऊंगी। क्यों, कल क्या है? कल हमारी किट्टी है। हफ्ते में कोई ऐसा दिन भी होता जिस दिन तेरी कोई किट्टी ना हो? लो अब हर किट्टे पे थोड़ी छुट्टी लेती हूँ जी कोई मैं। कल कोई तेरी खास किट्टी है? हाँ जी कल मेरी बारी है ना, कल किट्टी मेरे ही घर पे है, आप भी आ जाना जी। असल में हमारी किट्टी में ये सिस्टम है कि जिसके घर किट्टी हो वो अपने गेस्टों को भी बुला सकता है। मुझे तो तू रहने ही दे, ये तो किट्टी के नाम से इतना चिढ़ते हैं कि मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। सच्ची मुझे तो तरस आता है आपकी किस्मत पे। वैसे आदमी को इतना बैकवर्ड नहीं होना चाहिए और ना ही औरत को इतना डरपोक। फिर भी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी, अगर मान गए तो एक आध किट्टी तो जरूर ज्वाइन कर लूंगी। मेरी सहेलियां तो पहले ही बड़ी पीछे पड़ी हुई है मेरे। अच्छा मैडम जी मैं तो जाती हूँ, अभी कड़ी की तैयारियां भी करनी है, अभी तो मेरे को तंबोले की टिकटें भी खरीदनी है। वैसे मैडम जी तंबोले का क्या मजा आता है, टू फैट लेडीज 88 नंबर 1। कल्याणी ने ना कल भी नहीं आना। लेकिन आज आई तो थी। मैं आज की बात थोड़ा ना कर रही हूँ, कल की बात कर रही हूँ। कल उसने ना अपने घर हमें खाने पे बुलाया। बर्तन साफ करने वाली ने हमें खाने पे बुलाया? उसके घर किट्टी है। लो कल्याणी भी अब शुरू हो गई किट्टियों में। शुरू क्या हो गई, उसने तो शुरू से ही 2-3 किट्टीज ज्वाइन करके रखी हुई हैं। वो किट्टी है शूद की बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी वाली और इतने महीनों से हमारे घर आ जा रही है पर मुझे पता तक नहीं। तुम्हें पता था तो क्या कर लेते? कुछ भी कर सकता था, उसे निकाल के घर से बाहर फेंक देता या मैं खुद बाहर खड़े होकर बर्तन साफ कर सकता था ताकि सारी दुनिया को पता चलता कि तुम मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। तुम्हारी इसी धमकी की वजह से तुम मुझे हमेशा किट्टी ज्वाइन करने से रोकते रहे हो। मुझे किट्टी से नफरत है। जरूर किट्टी नाम की लड़की से तुम्हारा इश्क रहा होगा। बताओ अब बताते क्यों नहीं किट्टी कौन थी? किट्टी कोई नहीं थी। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई किट्टी तो जरूर आई होगी। कल मेरे दफ्तर में एक लड़की अपॉइंट होकर आई थी किट्टी नाम की, मैंने आधा घंटा भी उसे टिकने नहीं दिया, ट्रांसफर करवा दी उसकी। बड़े अजीब आदमी हो तुम। मैंने तो जासूसी सीरियल करमचंद भी इसलिए नहीं देखा क्योंकि उसकी सेक्रेटरी का नाम किट्टी था। पर एक आध किट्टी तो ज्वाइन करना आजकल स्टेटस सिंबल है ना। मेरे पास फिजूल पैसा नहीं है किट्टियों के लिए, खबरदार को किट्टी विट्टी ज्वाइन की तो। ओके हमने तो नई गाड़ी खरीदी थी। ऑल द बेस्ट। सरदार साहब मैं महंगा राम कंस्ट्रक्शन कंपनी से। अच्छा अच्छा बैठिए आप जी। आपने मुझे बैठने के लिए कहा? हाँ बैठिए प्लीज। आखिर आप मेहमान हैं। वो एक फाइल थी आपकी टेबल पर। हाँ मैं देख देता हूँ। महंगा राम मैंने तो एक्चुअली आज ही चार्ज लिया है। महंगा राम कंस्ट्रक्शन देखो ना किसी ने ट्रे के नीचे रखी हुई थी। कमाल है सर, आपकी अप्रूवल चाहिए थी। हाँ हाँ एक मिनट, ये तो क्लियर है, हो गया जी। क्या हो गया अभी संतराम जी? क्या हो गया पता नहीं क्या बेहोश ही हो गया। ये पानी मैंने तो कुछ भी। तुझे पता है थोड़ी देर पहले मंगाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला बेहोश हो गया। अच्छा? हाँ और पट्टी साहब ने उसकी 6 महीने पुरानी 21 लाख वाली पेमेंट बिना कोई ऑब्जेक्शन लगाए पास कर दी। मंगाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक आदमी आया था। ओ, उसका काम तो मैंने कर दिया था, वो तो बेहोश ही हो गया था दफ्तर में। अच्छा अच्छा मुझे लगता है इसीलिए वो थैंक्स करने बाद में घर आया होगा। एक बैग भी छोड़ गया है वो। बैग? क्या है इसमें? 1 लाख रुपए। 1 लाख? बार बार कह रहा था, भट्टी साहब की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बड़ी पेमेंट निकलवा दी उन्होंने। वो तो मेरा काम है, तनख्वाह मिलती है मुझे दफ्तर से। तनख्वाह तो आपको दफ्तर जाने की मिलती है, काम करने के तो पैसे आज आपको पहली बार मिले। सविता मेरे ख्याल से ये पैसे हमें वापस कर देने चाहिए।
मेरे पापा कहते हैं घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना पाप होता है। ओ तुम अपने डैडी की बात छोड़ो, वो तो शहर के जाने माने करप्ट आदमी है। जो भी है, तुमने आज ये पहली बार साबित किया है कि तुम एक महान ससुर के महान दामाद हो। वो तो हूँ, लेकिन कहीं ये पैसे रख के फंसी ना जाए। कुछ नहीं होता ना। पर पता नहीं मेरा शरीर ये कांप क्यों रहा है। खुशी से कांप रहा होगा। ऐसे करो पैसे मुझे दे दो, मैं संभाल लेती हूँ। पर फिर भी मुझे मतलब थकावट सी महसूस हो रही है आज। पहली बार तो तुमने काम किया है, थक गए होगे ना। तुम चलो सो जाओ। दरअसल मैं तो ये पता करने आई हूँ कि आज आपने घर में सब्जी क्या क्या बढ़ा रखी है। सब्जी तूने क्या करनी है? आज तेरे अपने घर किटी नहीं है, खाना तो बनेगा ही। खाना तो 20 औरतों का है, लेकिन इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। इंतजाम कैसा? अब जिन 10 घरों में मैं काम करती हूँ वहीं से सारे घरों से सब्जी लेके जाऊंगी। अब इतनी वैरायटी किसी ने किसी किट्टी में देखी ना होगी। हाँ वैसे मान गए कल्याणी तुम्हें, जाओ रसोई में से हलवा कद्दू बना पड़ा जा ले ले। कद्दू? वैसे पनीर के कोफ्ते भी बने पड़े हैं। ले 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 ले। अरे सबर कर ले, एक बाद में ले लियो। बहन श्यामा नहीं आई अभी तक? अरे वो तो जब से डीआईजी साहब के घर में काम करने लगी है ना, खुद को डीआईजी समझने लग गई है। रहने दे तू, उसकी पोल तो उसी दिन खुल गई थी जिस दिन उसके घर में किट्टी थी। अरे 2 सब्जियों के इंतजाम भी नहीं कर पाई थी। तू चिंता ना कर, मैंने पूरी 10 सब्जियों का इंतजाम कर लिया। जो भी है, उसे आना तो ठीक वक्त पे चाहिए ना। हर किट्टी पार्टी में लेट पहुंचती है। आ जाएगी भी मटकती हुई अपना वही हरे रंग का सूट पहन के। अरे वही तो एक सूट है उसके पास। अरे मैं तो हर किट्टी पार्टी में अलग अलग कपड़े पहनती हूँ। भाई तेरी वो ठेकेदार नहीं अच्छी है ना, हर किट्टी के लिए तुझे अपना कोई ना कोई पुराना सूट या साड़ी दे ही देती है। मैं तो किसी के घर से कपड़े नहीं पहनती, अपने कपड़े तो मैं खुद खरीदती हूँ। हाँ कभी कभी इनके कमीजें जरूर मांग कर लाती हूँ। लो श्यामा भी आ गई। लो अभी तक खाना शुरू नहीं किया तुम लोगों ने? बस डीआईपी का इंतजार हो रहा था। वो ना डीआईजी के घर में मीटिंग थी ना, इसलिए लेट हो गई। मीटिंग डीआईजी साहब की थी कि तेरी? संता ये देखो कैसी खबर है। कैसी खबर है? इनकम टैक्स वालों ने छापा मारकर सरकारी अफसरों के घर से करोड़ों रुपए पकड़े। करोड़ों ही पकड़े है ना, लाख तो नहीं पकड़े। अगर हमारा लाख रुपए पकड़ा गया तो मैं तो ना पछता रही हूँ तुम जैसे डरपोक आदमी से शादी करवा के। अच्छी भली मेरी अरेंज मैरिज हो रही थी एक करोड़पति के साथ, तुमसे लव मैरिज करवा ली। दिमाग खराब था मेरा। चाहे उस लड़के की एक आंख कम थी पर अकल और पैसा आपसे कई गुना ज्यादा था। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, अब तो ये बताओ कि 1,00,000 का मैं क्या करूँ। आप ये भूल रहे हैं कि आप किसके दामाद हैं। हाँ सच, तुम्हारे डैडी तो करप्शन के बेताज बादशाह हैं। हमारे घर ना इनकम टैक्स की इतनी रेट्स पड़ती थी कि डैडी ने इनकम टैक्स वालों के लिए एक परमानेंट गेस्ट हाउस बना के रखा है। चलो फिर तुम्हारे करप्ट डैडी से चल के सलाह लेते हैं कि ब्लैक मनी कैसे छिपाई जाए।
बेटा तुम्हारी जगह कोई और इतनी छोटी सलाह मांगने आया होता ना तो मैं उसे धक्के मार मार के बाहर निकाल देता। लेकिन मुझे तो घर में 1,00,000 रुपया ब्लैक मनी रखने से नींद ही नहीं आ रही। मैंने तो बेटी को बहुत समझाया था कि छोटे लोगों के मुंह ना लगे, पर बेटी की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। पर डैडी आप ये क्यों नहीं सोचते कि कम से कम इन्होंने 1,00,000 रुपए कबूल तो किए। शुक्र है मेरे दामाद के अकलदार तो निकले। लेकिन 1,00,000 रुपया ब्लैक का घर में रखना कैसे डैडी? घर में रखने की जरूरत क्या है? तो और पेड़ों पे डांग दूं। अरे मूर्ख, अपनी बीवी को कोई अच्छी सी किट्टी ज्वाइन करवा दे। किट्टी? कोई ऐसी किट्टी जिसमें हर मेंबर की कंट्रीब्यूशन 1,00,000 रुपया हो। उससे क्या होगा? पैसा बाहर घूमता रहेगा, घर में छापा पड़ने का कोई खतरा नहीं। ये ठीक है, बीवी को एक ना एक किट्टी ज्वाइन करवा ही देनी चाहिए। पर तुम्हें तो किट्टी से नफरत है ना? नफरत तो मुझे ब्लैक मनी से भी थी, पर अब मरता क्या ना खाता। खाता नहीं करता। किसी फिल्म या ड्रामे में रोल करने जा रही है क्या? मेरी आज पहली किट्टी है ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ हर मेंबर को 0.5 किलो मेकअप और 2 किलो गहने पहने जरूरी होंगे। बड़ी हाई क्लास और हाई सर्कल वाली 1,00,000 वाली किट्टी है। वो ठीक है, तुम ऐसे करना, वो जरा पैसे जरूर संभाल के किट्टी में जमा करवा देना, या कम से कम नींद तो ठीक से आए। दो नंबर का पति का पैसा, दो नंबर का पति का पैसा, किट्टी चाहे साथ तू डाल। इनकम टैक्स का खतरा नहीं है, इनकम टैक्स का खतरा नहीं है, किट्टी चाहे लाख की डाल। किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी, किट्टी पार्टी, लेडीज की शान किट्टी, लेडीज की नाम किट्टी, किट्टी का आया जमाना, लेडीज की जान है किट्टी। ओहो मैं तो थक गई आज। होगी तुम्हारी किट्टी? ऐसी खबर लाई हो कि सुनते ही फड़क उठोगे, किट्टी किट्टी करते फिरोगे। अच्छा ऐसी क्या खबर है? एक मिनट बताती हूँ, मैं जरा पानी पिया। कौन है भाई? हम लोग इनकम टैक्स से हैं। ओह वेरी गुड, बहुत मौके पे आए हैं आप। क्या मतलब? मतलब आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप कुछ भी सर्च कीजिए, नो प्रॉब्लम। आइए आइए आइए, आप भी आइए। तुम उधर जाओ। ओके सर। तुम इधर जाओ। यस सर। अरे भाई ये जिस तरह से बिखेर रहे हो ना, अगर कुछ ना मिला तो ये तय करके वापस भी रखने हैं। सर सर ये बैग मिला है, इसमें तो नोट ही नोट भरे पड़े हैं। अच्छा तो ये कहाँ से आ गए? यही तो वो खुशखबरी थी, पहली किट्टी हमारी निकली और वो भी पूरे 20,00,000 की। फुल पेंशन।